इंडिया में SUV को स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है एंड इस कैटेगरी में टॉप पे एग्जिस्ट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। वैसे तो फॉर्च्यूनर ओवर प्राइज्ड है, आउटडेटेड है, मिनिमम फीचर्स के साथ आती है, बट स्टिल अगर आपको अपने आप को रिच एंड पावरफुल दिखाना है सोसाइटी के अंदर तो आपके लिए सबसे सही गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। एंड ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पर ऐसा कब तक चलेगा शायद ये चीज कंपनी को भी पता है, तो कंपनी अब न्यू फॉर्च्यूनर पे काम कर रही है। इससे रिलेटेड कुछ लीक्स भी आए हैं जिससे ये कन्फर्म होता है कि गाड़ी में आपको न्यू लुक्स मिलेंगे, नया इंजन मिलेगा विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ नए फीचर्स भी मिलेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, पर इससे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का थोड़ा पास्ट देख लेते हैं। आखिर कैसे ये गाड़ी एक्सपेंसिव होते हुए भी इंडिया में ना सिर्फ बन ही रही सेगमेंट को भी लीड किया, जबकि इंडिया में तो सस्ती एंड बेटर माइलेज वाली गाड़ियों का ज्यादा डिमांड होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टोयोटा मोटर्स ने दिसंबर 2024 में पहली बार फॉर्च्यूनर को दिखाया था थाईलैंड इंटरनेशनल मोटर एक्सपो के अंदर, और इंडिया में इस गाड़ी की एंट्री होती है 2009 में। मतलब इंडिया में ये गाड़ी 2009 में लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे ये फोर्ड एंडेवर के राइवल में आती थी क्योंकि एंडेवर 2003 से ही अवेलेबल थी इंडिया में, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सफारी एंड स्कॉर्पियो के सक्सेस के बाद एक रास्ता खुल चुका था इसके ऊपर वाले SUV सेगमेंट के लिए जो कि फॉर्च्यूनर ने ग्रैब किया। अब फॉर्च्यूनर के सक्सेस के तीन मेन रीजन है। फर्स्ट, ब्रांड वैल्यू। टोयोटा इंडिया में 1997 से ही अवेलेबल थी तो टोयोटा की कुछ गाड़ियां इंडियंस का ट्रस्ट जीतने में सक्सेसफुल रही थी। सेकंड रीजन था इंजन। 2009 में फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई थी 3 लीटर डीजल इंजन के साथ जो गाड़ी को 171 हॉर्स पावर डिलीवर किया करती थी, तो ये बहुत बेटर थी अपने राइवल एंडेवर से परफॉर्मेंस के मामले में। एंड थर्ड रीजन था लुक्स। इस गाड़ी की डिजाइन हर किसी को पसंद आ रही थी एंड आज 14 ईयर्स लेटर भी लोगों को उतनी ही पसंद है इस गाड़ी की डिजाइन, तो इन्हीं रीजंस की वजह से लोगों को भा चुकी थी फॉर्च्यूनर। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से पॉलिटिशियंस ने भी फॉर्च्यूनर की तरफ मूव करना चालू किया, और पॉलिटिशियंस वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्च्यूनर के सक्सेस के लिए। फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये गाड़ी 2009 में लॉन्च हुई थी तब इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 21 लाख रुपीज, और अब ये गाड़ी 33 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है एंड इसका टॉप मॉडल 47 लाख रुपीज में आता है, जबकि ऐसा किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ नहीं हुआ है, बट स्टिल लोगों को ये गाड़ी अभी भी उतनी ही पसंद है। पर अब गाड़ी की प्राइसिंग कम होने वाली है, सच में कम होने वाली है, बट अभी नहीं, न्यू फॉर्च्यूनर आने के बाद। तो अब देखते हैं नई फॉर्च्यूनर में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो लुक्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं। नई वाली फॉर्च्यूनर का डिजाइन लीक हुआ था जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ऑन स्क्रीन डिजाइन है और इतना क्लियर भी नहीं है कि हम इसे देखकर कुछ समझ पाए डिजाइन से रिलेटेड, इसलिए डिजाइन को समझने के लिए इस पे बेस्ड रेंडर इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हो गाड़ी का डिजाइन। फ्रंट में बड़ा सा ग्रिल मिलता है, फुल LED लाइट सेटअप है, मस्कुलर बम्पर है एंड फॉग लैंप भी अवेलेबल है, और ये फ्रंट डिजाइन काफी हद तक इंस्पायर्ड लगता है लैंड क्रूजर से। मतलब फैमिलियर सी लुक आ रही है गाड़ी की, पर साइड से ये गाड़ी आपको करेंट फॉर्च्यूनर वाली वाइब देगी क्योंकि सिमिलर सा डिजाइन है साइड में। 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको इस गाड़ी में जो कि इंस्पायर्ड लग रहा है लैंड क्रूजर के अलॉय व्हील्स से ही, और बाकी इसके रियर डिजाइन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि रियर डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी लीक नहीं हुआ है। बट हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस गाड़ी का रियर डिजाइन भी आपको काफी हद तक लैंड क्रूजर से सिमिलर देखने को मिलेगा, मतलब गाड़ी में टोयोटा फैमिली वाली फील मिलेगी। अब केबिन से रिलेटेड चीजों की बात करें तो कुछ भी कंफर्म तो नहीं है क्योंकि केबिन से रिलेटेड कुछ भी लीक नहीं हुआ है, बट जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके केबिन में आपको बहुत ज्यादा एडवांस एंड हाईटेक फीचर्स नहीं मिलने वाले, कहने का मतलब इसके केबिन में आपको बहुत ज्यादा अपग्रेड्स देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ अच्छे खासे चेंजेस किए जाएंगे। फ्रेश केबिन रहेगा विथ न्यू लेआउट, न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, न्यू स्टीयरिंग व्हील, सनरूफ एंड मोर फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, बट टच बेस्ड कंट्रोल या फिर कोई लग्जरी फीचर नहीं मिलने वाला इसके अंदर क्योंकि टोयोटा फीचर लोडेड गाड़ियां नहीं बनाती, ये रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल बनाते हैं, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको नई फॉर्च्यूनर। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंजन ऑप्शन के ऊपर। फॉर्च्यूनर हमेशा से सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल रही है और नई फॉर्च्यूनर लॉन्च होने के बाद ये चीजें तो बहुत ऊपर जाने वाली है, मतलब इसके राइवल में कोई दूसरी गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि नई फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर का डीजल
इंजन मिलेगा विथ न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी टोयोटा मोटर्स ने नया नया ही बनाया है और इसे सबसे पहले लैंड क्रूजर प्राडो एंड हाइलक्स में ऑफर किया जाएगा एंड देन न्यू फॉर्च्यूनर में। अब अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूं तो बहुत कुछ है बताने के लिए, इस पे एक अलग वीडियो बन जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं एंड परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये नई इंजन गाड़ी को 250 हॉर्स पावर तक डिलीवर कर सकती है एंड 600 Nm टॉर्क, और इसके साथ आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। और अगर ऑफ रोडिंग की बात करें तो इस गाड़ी की वाटर वीडिंग कैपेसिटी होने वाली है 700 mm। इससे आप इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो समझ ही सकते हो, किसी भी सिचुएशन में ये चलने को तैयार रहेगी। तो ये कुछ अपडेट्स अवेलेबल है नई फॉर्च्यूनर से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।